জলবায়ু পরিবর্তনৰ বাবে অসমৰ গৌৰৱ চাহ উদ্যোগ প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময় পাৰ কৰিছে। ফলত সমগ্ৰ বিশ্বতে গুণগত মানৰ চাহপাত ৰপ্তানি কৰা অসম চৰকাৰে চাহপাতৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে। যেতিয়া চাহ উদ্যোগে বিভিন্ন ধৰণে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, তেতিয়া বৰাক উপত্যকাৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় চাহ উৎপাদনকাৰী কাছাৰৰ ৰোজকান্দি চাহ কাৰখানাই আশাৰ ৰেঙনি দেখুৱাইছে। ৰোজকান্দি চাহ কাৰখানা সম্পূৰ্ণ সৌৰ শক্তি চালিত আৰু এই সৌৰ পেনেল প্ৰকল্পটো হাতত লৈছিল ৰোজকান্দি চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ ঈশ্বৰবাই উবাদিয়াই। বৰ্তমান চাহ কাৰখানাৰ কাষতেই থকা সৌৰ পেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে 3000 ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হৈছে। এই সৌৰ পেনেলটো হৈছে পাৱাৰ গ্ৰিডৰ ইণ্টাৰেক্টিভ পেনেল। ফলত প্ৰতিদিনে উৎপাদিত হোৱা 3000 ইউনিট বিদ্যুতৰ ভিতৰত চাহ কাৰখানাত প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু বাকী থকা বিদ্যুৎ APDCLৰ দ্বাৰা মজুত কৰি ৰখা হৈছে। दुनिया सारी क्लाइमेट चेंज से परेशान है और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका मुख्य कारण है फॉसिल फ्यूल का व्यवहार करना। यदि जब हम भी ये सारी एनर्जी के लिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल जलाते हैं, इंडस्ट्री चलाने के लिए कोयला जलाते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सूर्य से गर्मी आती है उसको हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप करता है। इसकी वजह से गर्मियाँ बढ़ती है और गर्मी बढ़ने की वजह से सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, जैसे साइक्लोन हो गया, बहुत सारा बारिश होना, फ्लड होना, सूखा पड़ना, इसी टाइप के जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से ये होते हैं, नेचुरल कैलामिटी सारी होती है। इसके लिए भारत देश की जो पॉलिसी है कि जहाँ तक संभव हो रिन्यूएबल एनर्जी का व्यवहार करना है, और इस पॉलिसी के साथ चलते चलते हम लोग ने सबसे पहले बहुत सारा रिसर्च किया। दो साल रिसर्च करने के बाद में हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत वायबल हो सकता है और कचार में क्योंकि असम से ज़्यादा सनलाइट मिलता है तो हमारे लिए वायबल हो सकता है। हमने बहुत सारे डाटा इकट्ठा किया पूरे भारत देश से और करने के बाद में हमने 2020 में डिसाइड किया कि वी आर गोइंग फॉर सोलर प्रोजेक्ट, और हमने अकॉर्डिंगली वो अप्लाई किया और APDCL ने उसको अप्रूव किया, क्योंकि ये ग्रिड इंटरेक्टिव पैनल कंट्रोल है, इसलिए ग्रिड के बिना वो यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए वो ग्रिड इंटरेक्टिव पावर है। मैक्सिमम 3000 यूनिट एक दिन में जनरेट होता है, लेकिन कभी क्लाउड हो, बारिश हो, तो वो कम हो जाता है, बट जीरो कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ जनरेट होता ही है। बस जो जनरेट एक्स्ट्रा होता है जब हम फैक्ट्री नहीं चलाते हैं या हमारा फैक्ट्री में कम यूज़ होता है या ऑफ सीजन होता है, तो हमारा जो एक्सेस पावर है वो ग्रिड में इन्फ्यूज हो जाता है और ग्रिड हमको 4.54 रुपया करके उसका पैसा देता है। বৰাক উপত্যকাৰ বিদ্যুৎ যোগানৰ অৱস্থা শোচনীয়, ফলত চাহ উদ্যোগটোৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক বিষয় হৈ পৰিছে। আজিকালি বিদ্যুতৰ খৰচো বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে সৌৰ পেনেলৰ জৰিয়তে এটা সম্পূৰ্ণ চাহ কাৰখানা চলোৱাটো সঁচাকৈ ইতিবাচক পদক্ষেপ। ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৌৰশক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আগন্তুক 3 বছৰত 1000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে 2017 চনত অসমত সৌৰ নীতি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। অসমক সেউজ শক্তিৰ কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ গ্ৰীণ এনাৰ্জি হাব হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এনে পৰিস্থিতিত IB উপাধ্যায়ে সৌৰ শক্তিৰ জৰিয়তে চাহ কাৰখানা চলাই নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে।